जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो है मीरा बाबा से जुड़ी हुई वीडियो डालता रहता हूँ। जो भी मीरा बाबा का भक्त मीरा बाबा को मानता है, पूछता है, तो वह मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं मीरा बाबा से जुड़ी हुई वीडियो डालता रहता हूँ। कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। दोस्तों इससे पहले जो इस वीडियो से पहले जो मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, वह मीरे बाबा की जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। सच्ची घटनाओं की वीडियोस ही मैं चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे लोग बाग मीरे बाबा को जान सके और जागरूक हो सके, सही तरीके से मीरे बाबा की पूजा कर सके। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है वह मैंने खुद के अपने परिवार से जुड़ी हुई बनाने की सोची है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह मीरा बाबा सवारी देकर जो हमारे घर में आते हैं और हमें समझाते हैं कि किस तरह और किस दिन पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जो भी मीरा बाबा का भक्त इस वीडियो को देखता है, वीडियो को स्किप ना करे। आपको यह वीडियो देखकर जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए दोस्तों पहले ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। दोस्तों कई साल पहले की बात है, हमारे परिवार को लगभग मीरा बाबा के बारे में और उनके स्थान के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं थी। हमारे माता पिताजी को बस इतना पता था कि मीरा बाबा हमारे घर में मीरा बाबा की पूजा होती है और बाबा के बकरे दिए जाते हैं, बकरे का जो है प्रसाद दिया जाता है। ये कैसे और कब दिया जाता है इसकी कोई खास सीधी जानकारी नहीं थी। पूजा के सभी काम लगभग अधूरे हुआ करते थे। इसके अलावा ना कि मीरा बाबा के साथ जैन गवा पूजे जाते हैं, माता काली पूजी जाती है, इसका भी हमारे परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो दोस्तों एक दिन मेरी जो दीदी थी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, अजीब अजीब तरह की वह हरकतें करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमारी जो दीदी थी उनको परिवार वाले, हमारे माता पिता जो है, कई जगह पर दिखाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन हमारी जो दीदी थी, दीदी को देखकर घर वालों को लग रहा था कि उनके ऊपर कोई सवार हो। तो हमारे जो पिताजी और माता पिताजी हैं उनसे पूछते हैं, आप कौन है, अपना जरा हमें परिचय दीजिए। फिर वह अपना नाम बताते हैं, मैं हूं तुम्हारा कुल देवता मीरा पहलवान अमरोहा वाला। फिर वह कहते हैं कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूं, ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बच्ची यह ठीक रहेगी। फिर वह कहते हैं कि आज रात 12 बजे मैं आऊंगा, आप लोग घर के सभी सदस्य इकट्ठे रहना। और फिर बाबा ने जैसे ही बोला कि 12 बजे मैं आऊंगा, जो वह ठीक, फिर उसके बाद 12 बजे उनकी सवारी आती है हमारे दीदी के ऊपर। लेकिन उस समय जो बाबा की सवारी आती है गलत स्थान पर आ जाती है, जो कि हमारे ताऊ का घर था। हमारे ताऊ जो थे आसाराम बापू के भक्त थे, तो उनके पोस्टर उस घर में लगे हुए होते हैं, जिससे जो है मीरा बाबा की जो सवारी होती है बहुत ही गुस्से में और नाराज होकर आती है। तो बाबा ने वह सभी पोस्टर जो आसाराम बापू के लगे हुए थे, गुस्से में आकर उन्हें बाबा फाड़ देते हैं और बोलते हैं मुझे भूल गए। उसके बाद घर के जो भी लोग थे जैसे तैसे बाबा को शांत करते हैं और बाबा से माफी मांगते हैं। मीरा बाबा कहते हैं कि मुझे भूलकर तुम किसी और दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हो। फिर हमारे जो ताऊ थे वह अपनी गलती स्वीकार कर जो बाबा से माफी मांगते हैं। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि जो तुम मेरा सवैया करते हो वह शुक्रवार को करते हो, मेरा सवैया बुधवार को होता है, फिर भी मैं तुम्हारा जो है सवैया कबूल कर लेता हूँ। परिवार के सभी लोग अपनी गलती मानते हैं और बुधवार को जो है सवैया करने की ठानते हैं और आगे से जो है बुधवार को सवैया करने की बाबा से कह देते हैं। मीरा बाबा के कुछ ही दूरी पर मेरे जो पिताजी बैठे हुए होते हैं, उन्होंने उस समय जो है ड्रिंक करी हुई होती है, यानी कि शराब पी हुई होती है, इसलिए वह बाबा के पास जाने से डरते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं मेरे पास आ और तू क्यों परेशान है, जो मांगेगा वही मिलेगा। फिर मेरे पिताजी कहते हैं कि बाबा मैं पिछले चुनाव में हार गया था और फिर अब चुनाव आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास चुनाव लड़ने के एक भी पैसा नहीं है, मुझे चुनाव जिता कर दिखाओ तो मैं आपको मानूंगा। तब मीरा बाबा कहते हैं और वादा करते हैं कि तुझे पैसे भी दूंगा और चुनाव भी जिताऊंगा, निराश मत होना, अपने बाबा पर विश्वास रखना। बाबा आगे कहते हैं जब तू चुनाव जीत जाएगा तो तुझे अपने परिवार के साथ अमरोहा मेरे स्थान पर आना होगा और आकर के चादर चढ़ानी होगी। बस परिवार और बाबा के बीच यह वादा हो जाता है। उसके कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी चुनाव में जीत जाते हैं और पैसे चुनाव के लिए कहां से आते हैं उसका भी पता नहीं चल पाता। तो ये था मीरा बाबा का चमत्कार। वादे के अनुसार पूरा परिवार मीरा बाबा के मैन स्थान अमरोहा जाता है और जाकर
पूरे परिवार जो है चादर चढ़ाता है और वहीं जाकर जैन का और माता काली का हमें पता चलता है। हमारा पूरा परिवार अमरोहा में एक रात रुकता है और बाबा मेरे पिताजी के सपने में आकर पूरे परिवार को और उनको आशीर्वाद देते हैं। तब से लेकर आज तक हमने कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ा। बाबा के पूरा परिवार बाबा का दीवाना हो जाता है और आज तक हमने कभी मीरा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ये इस स्टोरी में, इस कहानी में मैंने अपने घर के बारे में बताया कि किस तरह हम मीरा बाबा से जुड़े, मीरा बाबा की सच्चाई हमने जानी, क्योंकि मीरा बाबा की सच्चाई सिर्फ उनके सच्चे भक्त ही जान सकते हैं। दोस्तों, मीरा बाबा की महिमा निराली है। 52 रूपी खिलाड़ी सरकार जिनके कब्जे में जिन्नात रहते हैं। जगत की महिमा देखकर लेखकों की लेखनी से समय समय पर अदृश्य शक्ति से मानव को आश्चर्यचकित कर देती है। इनकी सच्चाई सिर्फ इनके सच्चे भक्ति ही जानते हैं। पिछले कई वर्षों से अब तक इन्होंने अजब शक्ति का समय समय पर दिखा रहे हैं। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय, बोल काली माता की जय। और दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के आखिर में एक बात जरूर बोलता हूँ और वह जरूरी भी होती है। बाबा के भक्तों, आप किसी के बहकावे में ना आएं। मीरा बाबा एक पांच पीरों की तरह महापूजनीय है। यदि आपको कोई यह कहकर बहकाता है कि मीरा बाबा की पूजा करने से या चिरागी लगाने से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उनका कहना यह बिल्कुल गलत है। चिरागी लगाने से, बाबा की पूजा करने से सभी भक्तों की पुकार लगती है और मन्नत पूरी होती है। श्रद्धा भाव से जो भी कोई नर या नारी बच्चा पूजा करते हैं, बाबा उनके साथ साय की तरह रहते हैं। उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है तथा आशीर्वाद सदा के लिए बनाए रखते हैं। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय। और दोस्तों, बाबा से मुराद पूरी हो जाने पर बाबा को कभी ना भूलें और ना ही कभी वादा खिलाफी करें। बाबा को जो है, अगर आप बाबा से कभी झूठ बोलते हैं तो बाबा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। जो मन्नत आप बोलते हैं उसे पूरा करें। ऐसा ना करने पर कोई भी नुकसान आपको हो सकता है। यदि भूल से भी कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो तुरंत बाबा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगे। बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा खुश हो जाएंगे। आपके जो भी बिगड़े काम हैं वह सब बन जाएंगे। बोल मीरा बाबा की जय, बोल जैन का वीर की जय, बोल काली माता की जय, बोल पांचों पीरों की जय। मीरा तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मीरा बाबा मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मेरा जीवन सफल बन जाए। बोल मीरा बाबा की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मीरा बाबा से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मीरा बाबा से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर अगर जाते हैं तो आपको काफी सारी मीरा बाबा से जुड़ी हुई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और मीरा बाबा के सवैया किस प्रकार किया जाता है उनकी भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उन वीडियोज के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आते वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।